तो यहाँ पर बढ़िया बेटा दोस्तों रोहित शर्मा को टेस्ट की भी कैप्टेंसी दे दी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था विराट कोहली कैप्टेंसी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा ही टेस्ट के कप्तान होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आ, रोहित शर्मा को टेस्ट का भी कप्तान बना देगी। जैसा कि आपको पता है T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली T20 कप्तानी छोड़ दी थी और उन्हें वनडे से भी हटा दिया गया था, जिसके चलते विराट कोहली साउथ अफ्रीका दौरा समाप्त होने के बाद टेस्ट की कैप्टनसी भी छोड़ दी। तो चर्चा ये चला था कि ऋषभ पंत या केएल राहुल को टेस्ट की कैप्टनसी मिल सकती है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया था कि रोहित शर्मा ही अगले टेस्ट कप्तान होंगे। ये खबर जो है वह पुष्टि भी हो चुकी है, ऑफिशियल अनाउंस भी हो चुका है, रोहित शर्मा जो है अगले टेस्ट कप्तान घोषित हो चुके हैं। श्रीलंका दौरा जो 8 मार्च से शुरू होने वाला है, टीम यहाँ पर अनाउंस हो चुका है, रोहित शर्मा को टेस्ट कैप्टनसी दे दी गई है। तो बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रहा है, रोहित शर्मा T20 वनडे के बाद अब टेस्ट की भी कैप्टनसी करते नजर आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट, टेस्ट का कप्तान यहाँ पर भारत को मिल चुका है। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक, अगला अपडेट आपको जल्दी मिलेगा। जय हिंद।